अप्लाइड आर्ट को लेकर दोस्तों काफी सारे डाउट्स हैं कि इसमें स्कोप क्या है, करियर ऑप्शंस क्या हैं, फीस क्या क्या बनी है, देन समय के साथ साथ में कैसे बदलाव आए हैं और अप्लाइड आर्ट के सब टाइटल्स कैसे बने हैं, सब फील्ड कैसे बनी है। तो आज हम बात करेंगे अप्लाइड आर्ट के बारे में। अप्लाइड आर्ट बेसिकली है क्या? आपकी आर्ट और क्रिएटिविटी को जब हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूज करते हैं वो आपका अप्लाइड आर्ट होता है। आर्ट के जरिए यानी कि मैनुअली स्केचिंग ड्राइंग्स के साथ साथ में सबसे पहले मैनुअली ही सारे काम होते थे, लोगो डिजाइनिंग से लेकर राइट आपका इलस्ट्रेशंस, कार्टून्स, इसके साथ में हैंड राइटिंग, साथ में आपका सेटअप आर्टिस्ट, सब चीजें पहले हैंडमेड होता था। समय का चक्रव्यूह जो है बदला, चीजें बदली और चीजें कन्वर्ट हुई आपकी कमर्शियल बेस में। तो हम बात अब इस चीज में भी करेंगे कि अप्लाइड आर्ट बेसिकली किन किन चीजों में आगे जाके काफी वास्ट हो गया है। अगर किसी को भी अपनी बिजनेस नीड है, कम्युनिकेशन नीड है, उन चीजों को फिलफिल करने के लिए हमें जो है कमर्शियल आर्ट की और अप्लाइड आर्ट की हमें जरूरत होती ही होती है। दोस्तों देखिए, बिजनेस नीड का मतलब ये हुआ कि अगर आपको अपने बिजनेस को जो ग्रो करना है, अपने बिजनेस को काफी वर्ल्ड वाइड लेवल पे, काफी बड़े लेवल पे लेके जाना है, तो सारी नीड्स हमें आर्टिस्ट के साथ में डिस्कशन करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, जब जाके अप्लाइड आर्ट का जन्म होता है। तो अप्लाइड आर्ट का जो बेस मैंने बताया वो ड्रॉइंग से ही स्टार्ट हुआ था, और ड्रॉइंग के साथ साथ में चीजें कम्युनिकेट हुई, लोगों ने अपनी अपनी नीड्स बताई, अपनी चीजें बताई कि मुझे इस प्रोडक्ट को इस तरीके से लॉन्च करना है, इस तरीके से मुझे पब्लिक में आना है और अपने बिजनेस को ग्रो अप करना है। काफी चीजें जो है चेंज हुई, जब जाके चीजें जो है कन्वर्ट होती हैं तो आपको पता चलता है कि माध्यम भी बदल रहे हैं। जो माध्यम बदले तो सबसे पहले जब जन्म हुआ वो हुआ आपका ग्राफिक आर्ट्स का, यानी कि जो चीजें पहले मैनुअली बनती थी वो चीजें सारी जो है कंप्यूटर पे होना स्टार्ट हो गया, यानी कि लोगो डिजाइनिंग, बुक कवर, इलस्ट्रेशंस, राइट, मूवीज के बड़े बड़े बैनर्स, होर्डिंग, क्योंकि काम को कहीं ना कहीं ग्राफिक आर्ट्स ने काफी इजी कर दिया सॉफ्टवेयर के जरिए। अब जो चीजें पहले हाथों से बनती थी जिसमें टाइम ड्यूरेशन काफी ज्यादा लगता था, वो चीजें ग्राफिक में हुई, बड़े बड़े होर्डिंग्स के प्रिंट निकलने स्टार्ट हो गए। देखिए, जब काम रोजी रोटी जब आर्टिस्टों के हाथ में थी तो आर्टिस्ट अपनी क्रिएटिविटी को पेपर पर निखारते थे, मशीनें आई, समय बदला, ग्राफिक चीजों का काफी ज्यादा जो है चेंज ट्रेंडिंग में आया, कंप्यूटर का जो है जब आगमन हुआ तो चीजें मैनुअल से ग्राफिक के अंदर कन्वर्ट हुई। उसके बाद एक और चीज काफी वास्ट लेवल पे स्टार्ट हुआ, वो हुआ विजुअल कम्युनिकेशन, यानी कि अगर हम बात करें तो सीधे सीधे जो भी आप रोजमर्रा की लाइफ में आप यूज कर रहे हैं, आपका व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये सारे आपके विजुअल कम्युनिकेशन के पार्ट हैं। इतना इजी का मतलब कब हुआ? जब क्रिएटिविटी अपने चरम पे आ गई और इतने चरम पे, इतनी ज्यादा वास्ट लेवल पे कि आज हम वो जो है आपके स्मार्टफोन से भी ऊपर जाके हम आप जो है आईफोन तक पे भी हम काम कर रहे हैं। मेनली जो आपको जरूरत होगी वो होगी आपकी आर्ट, आपकी क्रिएटिविटी और फिर आपकी टेक्निकल, आपकी नॉलेज, उन सभी चीजों को लेके चलते हुए हम भी इन चीज में एक कदम और आगे बढ़ा चुके हैं। हमारे पास भी फाइन आर्ट्स के साथ साथ में ग्राफिक आर्ट्स और डिजिटल आर्ट्स दोनों चीजों का हमने अब जो है सेटअप अपना जो है तैयार कर लिया है, जिसमें मैनुअली के साथ साथ में आज हमारे स्टूडेंट्स कंप्यूटराइज भी काफी आगे ग्रो अप कर रहे हैं, काफी अच्छी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, जिसमें आज दोस्तों देखो बात करें तो इंडिया में किसी चीजों की कोई कमी नहीं है। डिज्नी यहाँ पे आ चुका है, सॉफ्टवेयर डेवलप यहाँ पर हो रहे हैं, कंपनी के लिए बड़ी बड़ी कंपनी एमएनसी के लिए जो है एप्लीकेशन जो बन रही है, बिजनेस नीड्स यहाँ पे पूरी हो रही है, क्योंकि ये काफी ऐसा और साथ साथ बॉलीवुड से जो टच आता है वो सारा आर्ट से ही जा रहा है। किसी भी मूवी का सेटअप कितना बड़ा काम होता है, किसी भी मूवी का सेटअप रेडी करना, राइट, और सेटअप रेडी करने के साथ साथ में कितने सारे सारे जॉब ऑप्शंस खुल जाते हैं, एक सिर्फ एक वर्क नहीं है। आप देखिए चलिए कि एक एड एजेंसी से लेकर आईटी सेक्टर से लेकर काफी बड़े बड़े सेक्टरों में आज फाइन आर्ट्स और डिजाइन ये सब चीजें अंदर जा चुकी है। और जहां तक बात ये थी कि इसमें जॉब स्कोप कम है, तो दोस्तों जॉब की तो आप बात करें तो फ्रीलांस ही जो है आज स्टूडेंट इतना ज्यादा अमाउंट जो है अर्न कर रहा है कि आप पूछे मत। जॉब करना तो एक दूसरी बात है, उनको फ्रीलांस ही लाखों के प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी को आज की डेट में प्रमोशन की सख्त जरूरत होती है। अभी ब्रीफिंग के बाद दोस्तों फिर भी मेरा ये मानना है कि
अगर आपके कोई डाउट्स हैं करियर को लेकर, अप्लाइड आर्ट्स की फील्ड को लेकर, यहाँ तक कि आगे करियर स्कोप को लेकर, और यहाँ तक भी कि आप इसमें कितना सक्सेसफुल बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, या फिर वगैरह वगैरह, मतलब जो आपके अराउंडिंग सर्कल के लोग जो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव करते हैं, तो मैं उन बिगनर्स के लिए भी मैं आप ये कहना चाहूंगा कि वो इनबॉक्स में जरूर आए और अपने डाउट्स जरूर बताएं मुझे कि सर हमें इस पैटर्न के बारे में, इस फील्ड के बारे में हमें डिटेल में आप बताइए। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं आपको अप्लाइड आर्ट के बारे में और विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में और ग्राफिक जो है डिजाइनिंग के बारे में काफी डिटेलिंग में मैं आपको जो है ब्रीफ करूं, और साथ साथ आपको उतना एक जो कॉन्फिडेंस भी आपको दे पाऊं जिससे कि ये जो आज के जो जनरेशन का जो एक वास्ट माइंड है करियर को काफी ऊंचाई तक लेके जाने का, वहां तक मैं आपको पहुंचा सकूं। इन सभी चीजों के लिए आप कलाभूमि के सोशल नेटवर्क साइट पे जरूर जाएं और आइकन जरूर बजाएं दोस्तों, जिससे कि हम इतनी एनर्जी से, जिस एनर्जी से हम आपको बता पा रहे हैं, उतने अच्छे डिटेलिंग में हम आपको फील्ड को, आपके करियर को और ऊंचाइयां दे सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कलाभूमि आर्ट्स।